पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने माननीय राज्यपाल लालजी टंडन को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरा क्षेत्र यूपी से लगा हुआ है और मैं लालजी टंडन को काफ़ी नज़दीक से जानता हूं। वह काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। एक साल का कार्यकाल बढ़ाने का वादा किया था लेकिन अभी तक आदेश नहीं मिला, इसलिए वो लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनके घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किया है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात नहीं है। बहुत सारे वायदे उन्होंने किए थे लेकिन उन वायदों को कभी पूरा नहीं किया। लेकिन नगरीय अध्यक्षों के लिए नई बात है क्योंकि उन्हें ये उम्मीद बंध गई थी कि अब तो जब इन्होंने इतने बड़े नेता ने कहा है तो निश्चित रूप से ये उसके ऊपर अमल करेंगे और वो अपनी शैली के हिसाब से कह के बदलने वाला काम कर रहे हैं। आज नतीजा ये है कि सारे मध्य प्रदेश के लोग उनके यहाँ दरवाजे पर बैठ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, अपनी आवाज़ें बुलंद करने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाके स्वाभाविक रूप से वो यही कहेंगे कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा वरना उपचुनाव में सड़कों पे आना पड़ेगा। राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया, आज ये दुखद समाचार सुबह ही सुबह प्राप्त हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया। मेरी जो विधानसभा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के ऊपर बसी है, इसलिए मैं बहुत लंबे समय से इस बात को जानता हूँ कि लालजी टंडन साहब जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे और छोटे से छोटे व्यक्ति की आवाज़ वो बन जाते थे। यहाँ आके वो फिर गवर्नर बन के आए तो स्वाभाविक रूप से भावनात्मक लगाव हम सब लोगों का भी हो गया। आज अकस्मात निधन का जो समाचार उनका मिला है बहुत ही दुखद और तकलीफ देह समाचार है। मैं अपनी तरफ से अपने सभी साथियों की तरफ से श्रद्धा सदन अर्पित करना चाहता हूँ, साथ ही परम पिता परमात्मा से यही निवेदन करूँगा कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। दूसरा, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि पार्वती जी ने नमस्ते ट्रंप मार्च में सरकार गरीबी, ये सब है, तो इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये चीन के सीमा पर जब विवाद होता है तो तब कुछ और ध्यान देते हैं पाश्चात्य संस्कृति के, और इनके इनने अपना नेता प्रतिपक्ष तो बना नहीं पाया 10 साल में। देखिए राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है वो राहुल गांधी के आवाज़ ज़रूर हो लेकिन वो हिंदुस्तान के आम व्यक्ति की आवाज़ है और आम व्यक्ति की सोच भी है। नरोत्तम मिश्रा जी अगर उसको मजाक उड़ा के उस मुद्दे को ध्यान भटकाना चाहते हैं वो उनकी मजबूरी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरी की तरफ झांकना नहीं चाहता। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग भी इस बात को जानते हैं कि यदि भारत की सरकार ट्रंप साहब के आयोजन के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद नहीं कर पाई जिसकी वजह से आज ये हालात हुए, जिस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना प्रवेश करने वाला था उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार को गिराने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी इन लोगों के बहकावे में आकर स्वास्थ्य मंत्री को लेकर भी ये उड़ गए थे। कमलनाथ जी एक बैठक कर पाए थे कोरोना के मामले में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।